हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। माय सेल्फ प्रोफेसर पूर्णिमा डोंगरे सब्जेक्ट टीचर ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट विजन ऑफ द डिपार्टमेंट टू इम्पार्ट एक्सेलेंट सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स टू डेवलप एम्प्लॉयबल सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स mission of the department there are three missions of the department and these are mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers to achieve this vision and mission there are seven program outcomes and these are po1 is basic and discipline specific knowledge po2 is problem analysis po3 is design development of solutions po4 is engineering tools Experimentation and testing. PO5 is engineering practices for society, sustainability, and environment. PO6 is project management and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see unit 4 that is drawing of frame structure, and today's topic is.

यह यूनिट पढ़ने के बाद आप गिवन रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए सबमिशन एंड वर्किंग ड्राइंग बना सकते हो नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है पीओ वन पीओ फाइव पीओ सिक्स एंड पीओ सेवन जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज इंजीनियरिंग प्रैक्टिस फॉर सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन सभी का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे नेक्स्ट है यूनिट आउटकम स्टूडेंट्स विल एबल टू प्रिपेयर फाउंडेशन प्लान ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का फाउंडेशन प्लान बना सकते हो इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट फ्रेम स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ड्रॉइंग ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर मीन्स वी स्टडीड अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ फ्रेम स्ट्रक्चर इन टुडे सेशन वी विल स्टडी अबाउट फाउंडेशन प्लान ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशन प्लान फर्स्ट है इट शोज एक्सकेबिशन दैट इज कैरीड आउट फॉर लेंग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग के फाउंडेशन की डिटेल इस ड्राइंग में दी रहती है सेकंड है अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन प्लान लाइन आउट इज गिवन ऑन द साइट बाय मार्किंग लाइंस विथ वाइट लाइन एंड अकॉर्डिंग टू दैट पिट्स आर डग मीन्स फाउंडेशन प्लान के हिसाब से साइट पर चूने से लाइन ड्रॉ करके लेआउट प्लान ड्रॉ करते हैं थर्ड है डायगोनल मेजरमेंट्स आर गिवन ऑन फाउंडेशन प्लान फॉर चेकिंग एक्यूरेसी। फाउंडेशन प्लान में डायगोनल मेजरमेंट दिए रहते हैं इससे लेआउट प्लान के मेजरमेंट्स चेक कर सकते हैं फोर्थ है फाउंडेशन प्लान शोज द टॉप व्यू और लेआउट ऑफ फुटिंग्स और फाउंडेशन वॉल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर फाउंडेशन प्लान में फुटिंग की डिटेल दी रहती है मीन्स डेप्थ ऑफ फाउंडेशन स्टेप्स ऑफ फाउंडेशन एक्सेट्रा फाउंडेशन प्लान ड्रॉ करते समय उसमें कौन से कंटेंट्स रहना चाहिए तो आगे देखते हैं डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन प्लान दैट इज फाउंडेशन प्लान शोज डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट है कॉलम पोजीशन, सेकंड है कॉलम साइज थर्ड है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड फोर्थ है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कॉलम मींस फाउंडेशन प्लान में कॉलम की डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है इसलिए फाउंडेशन प्लान में कॉलम की पोजीशन कॉलम का साइज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दो कॉलम के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यह सब कॉलम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है नेक्स्ट सी द एग्जाम्पल ऑफ फाउंडेशन प्लान दिस इज द ड्रॉइंग ऑफ फाउंडेशन प्लान इस ड्रॉइंग में आप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए सिंगल लाइन प्लान में निकाला गया फाउंडेशन प्लान देख रहे हो इसमें कॉलम के नंबर कॉलम की पोजीशन और कॉलम का साइज मेंशन किया है इस फाउंडेशन प्लान को आगे डिटेल में ड्रॉ किया है दिस इज़ द फाउंडेशन डिटेल ऑफ़ प्रीवियस बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप इस पिक्चर में दो कॉलम के बीच का एक्चुअल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख रहे हो जहां पे कॉलम है वहां उसकी पोजीशन दिखाई है इस प्रकार हर दो कॉलम के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया है इस प्रकार फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए बिल्डिंग का फाउंडेशन प्लान ड्रॉ करते हैं इन दिस वे इन टूडे सेशन वी स्टडीड अबाउट फाउंडेशन प्लान ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ फाउंडेशन प्लान होप यू अंडरस्टूड द पोर्शन एक्सप्लेन हियर एंड नेक्स्ट सेशन टॉपिक विल बी डिटेल्स ऑफ आर सी सी फुटिंग Important question on today's topic is Draw to a suitable scale foundation plan for a building shown in video. You have to draw this foundation plan in sketchbook. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the instructions provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.